Hello everyone, good afternoon. Myself Jawad Akhtar and today I'm going to start new chapter of class 3, that is food we eat. And dear, this is not a universal science book which I taught you earlier. This is new book, Oxford Advantage Science, okay? So from this I will discuss chapter first, okay na? So let's start dear. So first वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूट्रिएंट्स इन फूड. ठीक है, फर्स्ट में हम लोग न्यूट्रिएंट्स इन फूड के बारे में पढ़ेंगे और चलो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी जानेंगे, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. तो आवर बॉडी नीड्स फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क प्ले एंड स्टडी. हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए किस लिए? काम करने के लिए, खेलने के लिए और स्टडी करने के लिए चाहिए ना. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. हम लोग को अलग अलग तरह का फूड चाहिए. एक ही तरह का फूड हम लोग थोड़ी ना खाते हैं. एक तरह का फूड खाएंगे तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे. ठीक है, हम लोग को अलग अलग तरह का फूड चाहिए. क्यों? अपने हमारा बॉडी को ग्रो करने के लिए, अपने आप में हेल्दी रहने के लिए. ठीक है, फिट रहने के लिए. अब चलो हम लोग समझ लेते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब कि द फूड वी ईट, जो फूड हम लोग खाते हैं उसमें हर एक तरह का न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंसेस, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो उसमें कंटेंट्स किए हुए रहते हैं, उसी चीज़ को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ठीक है, इसके बारे में भी समझ जाओगे आगे. विच हेल्प आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, जिससे हमारे बॉडी को अच्छे से फंक्शन प्रॉपर वे से फंक्शन करने में मदद करता है. ठीक है, कि हम लोग अगर खेल पाते हैं तो अच्छे से खेल पाते हैं, पढ़ पाते हैं तो अच्छे से पढ़ पाते हैं, कोई वर्क कर रहे हैं तो अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं. ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट डिफरेंट फूड आइटम्स. ठीक है, देखो अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स किस में प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग फूड आइटम में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो उससे अलग मिलता है, हम लोग लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो उससे अलग कुछ मिलता है, हमको चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, चना खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट ये हमारे फूड आइटम्स हैं ना, तो वो सब फूड आइटम से अलग अलग तरह का हमको एनर्जी मिलता है, अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स 5 तरह का होते हैं जनरली. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब. ठीक है, रफेज भी होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बेस्ड पे फूड्स हैव बीन ग्रुप्ड एज अ एनर्जी. देखो यहाँ पे अलग अलग तरह का बेस्ड किया गया है न्यूट्रिएंट्स के बेस्ड पे, जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड है. एनर्जी गिविंग फूड में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसके बारे में बताएंगे हम आप लोग को. फिर बॉडी बिल्डिंग फूड है, प्रोटेक्टिव फूड में, तीन कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया. तीनों कैटेगरी में किस किस तरह का न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे हम अपने डेली लाइफ में. ये हमको इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड फूड दैट प्रोवाइड अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स. अब हम लोग को इम्पोर्टेंस होती है सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स लेने की, क्योंकि हमको सभी ऐसा फूड खाना चाहिए जो सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स हमको मिल सके. ठीक है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो फिर हम लोग दिक्कत होता है, डॉक्टर पास जाते हैं तो बोलते हैं कि ये खाना खाओ तो उससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ठीक है, तो अब चलो हम लोग फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स कंटेंट किए हुए रहता है, एनर्जी गिविंग फूड से हमको क्या क्या मिलता है. तो फूड सच एज, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, पोटैटोज हो गए, कॉर्न्स हो गए, शुगर हो गया. ठीक है, वीट मतलब आपको पता है, राइस मतलब भी पता है. ठीक है, गेहूँ, चावल, मक्का, आलू, मक्का. ठीक है, शुगर, चीनी वगैरह, ये सब चीज़ में हमको फूड में ये सब चीज़ अगर खाते हो तो आपको एनर्जी मिलता है. ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया है एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, दे कंटेन टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब देखो न्यूट्रिएंट्स इसमें दो तरह का न्यूट्रिएंट्स कंटेन किए हुए रहते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक फैट्स होता है. अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर न्यूट्रिएंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट्स क्या है, तो ये ऐसा चीज़, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, जो हम लोग फूड खाते हैं ना अलग अलग, जैसे कि ये फूड खाओगे इतना तो आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा. ठीक है, और फैट्स मिल जाएगा. अब ये सब चीज़ों से क्या क्या होता है उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे. और न्यूट्रिएंट्स यही है हमारा. ठीक है, जैसे कि आप लोग डॉक्टर के पास कभी कभी जाते हो, बीमार पड़ जाते हो, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको लगता है कि नहीं, डॉक्टर आपको देखते हैं बीमारी जो भी चेक करते हैं तो आपको वो देखते हैं कि नहीं उनमें फैट्स की कमी है, तो आपको इस तरह से फूड खाने के लिए बोलेंगे ना कि जिससे वो फैट्स उसमें मिलता है, या तो दवा भी आता है इस तरह की जो आपको फैट ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सके, उसकी कमी दूर कर देगा तो आपका ठीक हो जाएगा. हम क्या बोले स्टार्टिंग में, आप लोग को सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए. सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, किस लिए चाहिए? क्योंकि हमारे बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए. अगर एक भी न्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा कमी हो जाता है कोई भी न्यूट्रिएंट्स का, तो फिर दिक्कत हो जाएगा. ठीक है, हाँ, तो चलो आगे देखते हैं. ये हमको ये सब खाने से क्या मिलता है, ये हमको वर्क और प्ले करने में मदद करता है. कोई भी काम कर रहे या खेल रहे हैं तो हम लोग को हेल्प मिलता है. पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क शुड ईट फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स.
टू गेन एनर्जी। जो लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे कि हमारे घर में लेबर वगैरह आते हैं ना, जैसे कि आपका घर बनते रहते हैं तो लेबर वगैरह आते होंगे आप लोग घर में काम करने, तो उन लोग को देखोगे उन लोग ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं, जैसे चावल वगैरह में कार्बोहाइड्रेट होता है ठीक है, या तो मकई वगैरह में कार्बोहाइड्रेट होता है ठीक है, या तो सत्तू वगैरह भी उन लोग लेते हैं ना, तो चना से बना हुआ होता है ओके डियर, तो वो सब चीज़ मक्का भी खाते हैं उन लोग। तो मक्का से क्या होता है ना, ये सब चीज़ से कि हम लोग को एनर्जी मिलता है, उन लोग को काम करने में मदद मिलता है ठीक है। तो अब चलो हम लोग फैट्स के, यहाँ तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट फूड्स देखें, अब फैट्स क्या होता है, फैट्स जैसे कि बटर हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया, नट्स हो गया, ये सब हमारा फैट है, ये सब चीज़ में फैट्स इंक्लूड रहता है, ये सब चीज़ खाओगे तो फैट्स हो जाएगा आपको। फैट्स मतलब कि फैट्स का ज़्यादा, जैसे कि आपका फैट जैसे कि चर्बी हो जाता है ना पेट वगैरह में, जो पेट किसी का निकल जाता है इस तरह से पेट निकल जाता है, तो ज़्यादा पेट किसी का निकल जाता है, तो वो पेट निकलने का मतलब कि उनमें फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, तो फैट की मतलब ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पेट में वो अलग अलग रूप में खाना बनकर रहता है। इसलिए फैट अगर हम लोग कम भी खाएंगे ना फैट्स वाला फूड, तो हमारे ऑलरेडी है हमारे शरीर में, तो हमको देते रहता है टाइम टू टाइम जब ज़रूरत होता है, तो इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि ऑयली चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तेल वाला चीज़, क्योंकि ऑलरेडी हमारे शरीर में वो चीज़ रहते हैं, लोग ज़्यादा खाते हैं ऑयली चीज़ ठीक है। ये हमको क्या देता है, एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमको देता है, जैसे कि घी खाने बोलते हैं ना घर गाँव में आपके मम्मी पापा जो भी गाँव के लोग होते हैं ज़्यादातर, उन लोग घी पे ज़्यादा जोर करते हैं कि घी खाया करो, इसलिए क्योंकि उससे हमको एनर्जी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी मिलता है, हमारे बॉडी को वार्म भी रखता है, गर्म भी रखता है। ठंड के दिनों में हम लोग ज़्यादा नट्स खाना पसंद करते हैं ठीक है, नट्स वगैरह खाते हैं, घी खाते हैं, बटर खाते हैं, तेल वगैरह का चीज़ खाते हैं, तो इससे हमारा शरीर गर्म रखता है ठीक है। और चलो ये देखो हमारा एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी गिविंग फूड में दो तरह का न्यूट्रिएंट्स कंटेंट करता है, एक फैट है, अब एक कार्बोहाइड्रेट है ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे ये सब जो फूड दिख रहा है आपको, इसमें फैट्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, ये सब फूड खाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मिलेगा। अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। सो डियर यहाँ देखो बॉडी बिल्डिंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग कहने का मतलब तो ऐसे ही समझ गए, बॉडी मतलब क्या होता है, बिल्डिंग मतलब क्या होता है, फूड्स मतलब क्या होता है, तो बॉडी मतलब हमारा शरीर, बिल्डिंग मतलब कि हमारा शरीर जैसे बनता है ना, हमारे घर में भी बिल्डिंग वगैरह बनते हैं, तो उसी तरह से हमारा शरीर भी तो बिल्ड होता है, बनता है, तो अब वो सब उस कौन सा खाना से हमारा बॉडी बिल्ड होता है, चलो देख लेते हैं। फूड जैसे कि मीट हो गया, चिकन वगैरह हो गया, एग्स हो गया, अंडा हो गया, फिश हो गया, पल्सेस हो गया, दाल हो गया ठीक है, मिल्क हो गया, दूध वगैरह हो गया ठीक है, ये सब चीज़ से हमको, ये सब चीज़ बॉडी बिल्डिंग फूड है। अब ये हमको क्या करता है, इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स की हो रहा था, प्रोटीन्स रहता है, कौन सा प्रोटीन्स रहता है। अब प्रोटीन्स हमको क्या करता है, हमारे बॉडी को ग्रो करता है, बढ़ाता है, हमारा रिपेयर करता है एज वेल एज बिल्ड मसल, जैसे कि रिपेयर कहने का मतलब कि हमारे बॉडी पहले तो जैसे कि आप लोग ये सब खाना खाओगे तो आपका बॉडी ग्रो करेगा, इसलिए अगर ये सब जैसे कि जो बहुत लोग चिकन खाना पसंद नहीं करते, मीट खाना पसंद नहीं करते, तो उन लोग दूध पी सकते हैं ना, तो दूध पियेंगे तो उनको प्रोटीन्स मिलेगा दूध में ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि हर एक दिन सोने से पहले दूध पीकर सोना चाहिए, अगर आपको खाना खाने का रात का मन नहीं है तो दूध है तो दूध पीकर सो जाओ तो आपका सब मैनेज हो जाएगा ठीक है, तो दूध हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए बोला जाता है कि दूध पिया करो। अब देखो यहाँ पे प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो और रिपेयर एज वेल एज बिल्ड मसल, देखो हमारे मसल्स हैं ना शरीर में, जैसे कहीं आपको खरोच आ जाता है, आपका हाथ है ये ठीक है, हाथ में अगर यहाँ कट गया, कटने के बाद कभी कभी देखते हो मांस आपका वहाँ से मसल्स वगैरह निकल जाते हैं, तो ऑटोमेटिक देखो अगर बिना दवा भी किए हुए रहते हो कुछ महीनों बाद आप देखोगे कि वहाँ का जो हाथ कटा हुआ था वो पूरी तरह से रिपेयर हो गया, भरा जाता है ऑटोमेटिक बिना दवा हुआ लिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं ना, अगर इस टाइप का खाना खाओगे, चिकन खाते हो, एग खाते हो, फिश खाते हो, पल्सेस खाते हो, तो वो सब जो जहाँ जहाँ कटिंग रहता है ये रहता है अच्छे से मात्रा में ये सब लेगो तो भरा जाता है, यही सिस्टम है ठीक है बाबू। एज वेल एज बिल्ड मसल, यंग चिल्ड्रन शुड ईट अ लॉट ऑफ प्रोटीन रिच इन फैट, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं जैसे कि आप लोग बच्चे हो ना अभी, तो आप लोग यंग चिल्ड्रन हो, बच्चे हो, तो आप लोग को ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, जो फूड में प्रोटीन ज़्यादा है उस फूड को हम लोग को खाना चाहिए, जैसे कि ये सब चीज़ आपको ज़्यादा खाना चाहिए, मतलब ज़्यादा मात्रा में भी नहीं खाना चाहिए, मतलब लॉट्स ऑफ मिनिमम, अगर ये चिकन खाना तो ऐसे भी हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है, मतलब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बट इसमें प्रोटीन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं, तो इसको भी खाना चाहिए, हम लोग को अवॉइड नहीं करना चाहिए। और जो मिल्क है, मिल्क अगर ये नहीं खाना पसंद तो मिल्क तो पीना पसंद है ना, मिल्क पीजिए, और भी बहुत सारे फूड्स हैं, पल्सेस दाल वगैरह पीजिए आराम से ठीक है बाबू। अब चलो नेक्स्ट है हमारे यहाँ प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड मतलब कि हमको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ये जो फल फ्रूट्स दिख रहा है ना, जब भी आप लोग बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको ज़्यादातर क्या सजेस्ट करते हैं कि फल फ्रूट्स खाइए, फल फ्रूट्स खाने से क्या होता है कि हमारे शरीर को बचाए हुए रखता है,
ये हमारे शरीर को हेल्दी रखता है। और डिजीज़ वगैरह कुछ भी अगर आपको बीमारी वगैरह हो जाता है, अभी जस्ट हम बोले कि डॉक्टर के बारे में, तो डिजीज़ वगैरह किसी तरह का आपको बीमारी हो जाता है तो उससे लड़ने में भी शक्ति हमको देता है, हेल्प करता है, मदद करता है। जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, ये सब हमारा प्रोटेक्टिव फूड है। इसमें क्या रहता है, विटामिन्स रहता है और मिनरल्स रहता है। इसमें क्या रहता है, विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्टिव आइटम्स हेल्प इन कीपिंग, हम प्रोटेक्टिव आइटम्स क्या करता है, हमारा हड्डी को और दांत को मजबूत करता है। डॉक्टर बोलते हैं ना कि जैसे कि दूध पीते हो ना, दूध, तो दूध पीते पीने से हमारा क्या है, दांत को मजबूत करता है, हड्डी को भी मजबूत करता है, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या है, दूध भी हमारा एक तरह का यहाँ दिया है प्रोटेक्टिव फूड है। दूध में भी दूध में सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए यह सब जगह दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे कि नट्स हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट कहने का, मिल्क से बना हुआ चीज़ को भी हम लोग खाएँ तो अच्छा रहेगा। जैसे कि दही, चीज़ हो गया, ठीक है, पनीर हो गया, ये सब चीज़ मिल्क से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर भी खाते हैं हम लोग तो ये सब चीज़ से भी हमको क्या रहता है, हेल्दी रहते हैं, हमारा दांत, बोन, हड्डी वगैरह मजबूत रहता है। ये सब चीज़ में विटामिन्स मिनरल्स रहता है, विटामिन्स मिनरल्स की कमी आपको नहीं होने देगा। और भी फूड हैं जैसे कि विटामिन्स, मीट है, स्पैनिच है, एप्पल्स हो गए, चिक पीस, ठीक है, स्पैनिच मतलब पालक का साग हो जाता है, एप्पल्स आपको पता है, मीट पता है, चिक पीस कहने का मतलब कि काबली चना होता है ना, काबली चना, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग छोला वगैरह घर में बनाते हैं, उसमें भी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं बाबू, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, फूड्स रिच इन फाइबर्स, जो फूड में फाइबर्स रहता है उस चीज़ के बारे में, फाइबर्स क्या है इसके बारे में, यहाँ पे वो फाइबर्स नहीं है जो हम लोग सोच रहे होगा अभी आप लोग माइंड में, वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, मीनिंग एक प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग अलग अलग है। जैसे कि देखो फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे साग वगैरह हो गया, ग्रीन पत्ता, हरा पत्ता, सीरियल, सीरियल मतलब कि दाल वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, दाल हो गया, चावल हो गया, ये सब में क्या होता है ना कि फाइबर्स कंटेंट किए हुए रहता है। फाइबर क्या करता है कि हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, ये हमारे बॉडी में पचता नहीं है, ठीक है। पचने कहने का मतलब कि आप चिकन खाते हो, ठीक है, तो चिकन वगैरह खाने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में वो पचा लेता है पूरी तरह से, पचा कर उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी को चारों तरफ दे देता है। लेकिन ये सब चीज़ आप लोग खाओगे, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स खाते हो, सीरियल्स खाते हो, तो ये सब चीज़ों से आपको किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स मिलता नहीं है। बट इनका क्या काम है, इनका काम क्या है उसका भी हम बता रहे हैं कि ये सब फूड खाने से क्या होता है, ये एक तरह का रफेज होते हैं ये फूड, इसको हम लोग रफेज बोलते हैं, कैसे, प्रोटीन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया, उस तरह से ये भी एक रफेज है। अब ये हमको क्या करता है, ये तो पहला बात कि हमारे बॉडी में जाता है तो पचता नहीं है, ये पचेगा नहीं, ये हमारे बॉडी को क्या करता है, जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल कहने का मतलब कि हम लोग जो फ्रेश होते हैं ना बाथरूम जाकर, वो फ्रेश, तो वेस्ट मटेरियल को हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यही ये जो रफेज जो हम लोग खाते हैं, लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है ये, ठीक है। ये सब फ्रूट्स खाओगे तो बाहर निकालने में आपको मदद करेगा, तो इसी चीज़ को हम लोग वेस्ट मटेरियल्स बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग रफेज बोलते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को जो बाहर निकालने में मदद करता है, दूसरे फूड को पचाता है इसकी मदद, ओके ना, अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसमें जैसे कि सलाद, जब हम लोग खाना खाते हैं तो लास्ट में हम लोग सैलेड वगैरह खाते हैं ना, तो सैलेड वगैरह क्यों खाते हैं, सैलेड जो है वो हमारा वो रफेज है, वो हमारा रफेज फूड है, उसमें फाइबर्स रहता है, लेकिन क्या है कि वो हमको खाते हैं लास्ट टाइम में, इसलिए ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है, वो जो भी जितना खाना खाया हो उसको पचाने में मदद करता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल है आपके बॉडी में उसको बाहर निकालता है इजी वे में, ठीक है बाबू। अब नेक्स्ट देखते हैं वाटर के बारे में, वाटर, पानी तो आपको पता है कि हम लोग को पानी क्यों ज़रूरत है, पानी भी पीते हैं, ये भी डाइजेस्ट करता है हमारे खाना को, अच्छे से डाइजेस्ट करा लेता है, इसलिए हमको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, इससे हमारा पेट जो है फ्रेश रहता है, ठीक है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हम लोग को एक दिन में 8 से लेकर 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आपको पता है, बैलेंस डाइट कहने का मतलब कि हमारे जो डेली लाइफ है, एवरी डे लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट फूड दैट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन दैट बेसिक, हम लोग बैलेंस डाइट कहने का मतलब कि ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे डेली लाइफ में, कि ऐसा खाना खाना चाहिए हम लोग को कि जिसमें सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, प्रोटीन्स भी मिल जाए, विटामिन्स भी मिल जाए, मिनरल्स भी मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, फैट्स भी मिल जाए, ठीक है।
तो सभी तरह का हमको रफेज भी मिल जाए, सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। तो ये बैलेंस डाइट फूड इसी के लिए बनाया गया है। ये बैलेंस डाइट फूड कहने का मतलब कि इसमें सभी तरह का आपको खाना मिल जाएगा, जिससे हमको सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है। जैसे कि यहाँ देखो, एग्स वगैरह है, चिकन है, इसमें से कुछ ले लिए। यहाँ पे पोटैटोज़ वगैरह है, ब्रेड्स है, बहुत सारी चीज़ें, इसमें से कुछ ले लिए। यहाँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, इसमें से ले लिए। यहाँ पे देखो मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क से बना हुआ है। यहाँ पे ये ऑयली चीज़ है, तो सब में से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। तो इसका मतलब कि इसमें जितना न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़े, सारा कुछ इसमें प्रेजेंट रहता है। थोड़ा थोड़ा खाएंगे सभी में से, तो हमको सारा कुछ मिल जाएगा आराम से। तो बैलेंस कहने का मतलब कि बैलेंस रहता है, ना ज़्यादा कम रहेगा ना ज़्यादा ज़्यादा रहेगा, मिनिमम मात्रा में। ऐसा नहीं कि ज़्यादा खा लिए, ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, तो हमारा बैलेंस फूड नहीं हुआ। द डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है इसके बारे में सुन लो। द डाइट कंटेंस ऑल न्यूट्रिशन, जो डाइट होते हैं सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, ये सब, ठीक है। रिक्वायर्ड अमाउंट नीडेड बाय आवर बॉडी, जितना हमारे बॉडी को चाहिए उतना उतना उसमें रहता है प्रेजेंट, ठीक है, उतना उसमें रहता है। इसी चीज़ को हम लोग बैलेंस डाइट फूड बोलते हैं। बैलेंस डाइट फूड आप लोग घर में भी कर सकते हो, खा सकते हो, ठीक है। ईटिंग बैलेंस डाइट कीप्स अस हेल्दी, और बैलेंस डाइट अगर हम लोग खाते हैं तो हमको हेल्दी रखता है। आप लोग कभी देखो सीरियल वगैरह देखते हो, फिल्म देखते होगे, तो जब उन लोग खाना खाने बैठता है तो उस टाइम देखते हो कभी कभी कि उन लोग फूड में क्या रहता है, जूस भी रहता है, एक गिलास रोटी भी रहता है, थोड़ा सा चावल भी रहता है, दाल भी रहता है, सब्जी भी रहता है, तो सारा कुछ लगभग रहता है। फिर फ्रूट्स भी रखा हुआ रहता है उनका डाइनिंग टेबल पे, तो सारा चीज़ खाते हैं। मतलब कि उन लोग बैलेंस डाइट फूड खाते हैं, इसलिए उन लोग फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं पूरी तरह से, ठीक है। अब चलो, समटाइम्स वी ईट सर्टेन फूड आइटम विच आर वेरी टेस्टी बट नॉट हेल्दी। कुछ कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जो हम लोग बाहर जाते हैं खाना खाते हैं बहुत टेस्टी रखता है, लेकिन हेल्दी नहीं है वो हमारे लिए। क्या है, हेल्दी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, चलो देखते हैं। दिस फूड आइटम कंटेन एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर। अब ये फूड आइटम में क्या क्या कंटेन हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर, चीनी वगैरह हो गया, फैट्स, फैट्स भी हमको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, हम बताएं ना, उससे हमारे चर्बी हो जाता पेट में चारों तरफ, जो पेट निकल जाते इस तरह से, तो ज़्यादा मात्रा में उस चीज़ हमको नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है फैट, हमारे बॉडी में ये स्टोर रहता है, जमा रहता है, ये हमको टाइम टू टाइम देते रहता है। अगर आपके बॉडी में फैट की कमी हो जाती है ना, तो वो आपको क्या करता है, टाइम टू टाइम देते रहता है, क्या करते रहता है, टाइम टू टाइम देते रहता है, ताकि आपको मेंटेनेन करे। इसलिए आपको फैट्स, अगर फूड जिसमें फैट रहता है वो चीज़ फूड आप लोग नहीं भी खाते हो तो मैनेज हो जाता है, बट इधर जितने भी फूड्स होते हैं उसको खाना, ओके। तो यहाँ पे अनहेल्दी फूड खाने को, उसमें ज़्यादा शुगर रहता है प्रेजेंट, फैट्स रहता है, तो ये सब अनहेल्दी फूड्स हैं, ठीक है। ये सब खाने से हम लोग को क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, वी शुड अवॉइडिंग ईटिंग अनहेल्दी फूड्स, ठीक है। हम लोग को अनहेल्दी फूड खाने से अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये हमको बीमार पड़ाता है। जैसे बाहर का खाना खाना आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ठेला पे के चाट, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, कुरकुरे, लेज, ये सब जो है अनहेल्दी फूड है। ये सब खाने से क्या होता है कि हमारा बॉडी को फिट नहीं रखता है, हमको टेस्टी तो ज़रूर लगता है बट हमको बीमार पड़ा देता है, ठीक है। तो हम लोग को बीमार नहीं ना पड़ना है, हम लोग को फ्रेश रहना है। अब यहाँ देखिए, लास्ट है ये टॉपिक हमारा, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, कि हम लोग को किस तरह से कौन सा क्या करेंगे कि हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। खाना कौन सा, किस तरह का खाना खाएं कि हम लोग हेल्दी रह सकते। तो फर्स्ट देखो, ईटिंग अंडर कुक और स्टेल फूड कैन मेक अस फूड, वी शुड ईट प्रॉपरली एंड फ्रेशली कुक्ड फूड। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग को अंडर कुक्ड और स्टेल फूड, कहने का मतलब कि हम लोग को जो जैसे खाना घर में बनता है तो कभी कभी देखते हो कच्चा खाना हो जाता है, पकता नहीं है सही से, तो उस टाइप का खाना खाओगे तो आपका खाना क्या होगा कि पचेगा नहीं, आपके बॉडी उसको पचा नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कच्चा रहता है, अच्छा से पका हुआ नहीं रहता है, तो उस आपको बॉडी पचा नहीं पाएगा, और जब पचाएगा नहीं तो आप लोग बीमार पड़ सकते हो, आपको वोमिटिंग हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। इसलिए हम लोग को अच्छे से खाना पका हुआ होना चाहिए, तभी खाना चाहिए। अगर हल्का फुल्का भी कच्चा है तो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। हम लोग को पका हुआ खाना खाना चाहिए, पूरी तरह से पका हुआ खाना खाना चाहिए। फूड लाइक सैलड, जैसे कि सैलड्स हो गए, स्प्राउट्स, स्प्राउट मतलब चना वगैरह हो गया, सलाद मतलब समझ रहे हो, सलाद जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं, इसको रो खाया जाता है। रो कहने का मतलब कि कच्चा, रो मतलब कि कच्चा, ठीक है, कुक्ड मतलब पका हुआ, मतलब कि ये सब हम लोग चना क्या हम लोग पका के खाते हैं, दोनों करते, पका लेते भी हैं और ऐसे भी खाते हैं। सलाद वगैरह हो गया, खीरा वगैरह हो गया, मूली हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं, पका कर नहीं ना खाते, इसको कच्चा ही खाते हैं, तो इसको रो मतलब कच्चा होता है, ठीक है। देयरफॉर वी शुड वॉश देम वेल बिफोर ईटिंग, इसलिए हमको उसको खाने से पहले अच्छे से धोकर उसको खाना चाहिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है,
वी शुड ईट आवर मील्स एट फिक्स टाइम। ठीक है, हम लोग को जो मील्स हैं, हम लोग जो 3 टाइम का खाना खाते हैं, सुबह शाम दोपहर, ठीक है, सुबह दोपहर और शाम में जो खाना खाते हैं हम लोग, तो सबको फिक्स टाइम में खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग 8 बजे टाइमिंग है तो हम लोग 10 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं सुबह का नाश्ता, तो ऐसे नहीं खाना चाहिए, फिक्स टाइम पर खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी शुड ईट बैलेंस डाइट फूड। बैलेंस डाइट फूड हम बताएं कि हम लोग को बैलेंस डाइट फूड में सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग को बैलेंस डाइट फूड खाना चाहिए ताकि हमको किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, हमको बीमार ना पड़े। ठीक है, हम लोग को किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स कमी ना हो तो हम लोग डॉक्टर के पास नहीं ना जाएंगे, सभी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे प्रेजेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट देखो, वी शुड अवॉइड ईटिंग अनहेल्दी फूड रेगुलरली। अगर हम लोग, जैसे कि आपको अनहेल्दी फूड खाना पसंद है, बाहर जाकर ठेला वगैरह का खाना, गुपचुप, चाट, चाउमीन वगैरह, तो आप लोग इसे वो डेली नहीं खाओ, कभी कभी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे भी अगर जनरली आप लोग अवॉइड करते हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पाते हो तो कभी कभी खाना चाहिए। ठीक है, डेली नहीं खाना चाहिए। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। और लास्ट एक ही चीज़ है कि हम लोग को पानी डेली पीना चाहिए। एक चीज़ और हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग 1 गिलास दूध डेली पीकर सोना चाहिए, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है। ठीक है, तो डियर अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग को भी समझ में आए। और किसी तरह का चैप्टर में कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये चैप्टर पढ़ाइए, तो ऑफकोर्स वो भी चैप्टर हम डील करेंगे। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे।